आजकल दांतों की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है और इन पर ध्यान देने की जरूरत है। पेश है सिराज डेंटल क्लिनिक, वन ऑफ द बेस्ट डेंटल सर्विस इन अमृतनगर मुमरा, वो भी आपके बजट में। स्पेशलिस्ट इन टीथ वाइटनिंग, रूट कैनल, टीथ इम्प्लांट एक्सट्रैक्शन, अल्सर्स, ब्रेसेस, ब्रिज एक्सरे, फुल माउथ डेंचर। सीवियर ओरल प्रॉब्लम के लिए सर्जन भी अवेलेबल है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज। ओरल केयर एडवाइस, एंटी टोबैको एंड कैंसर अवेयरनेस विद एक्सपर्ट डॉक्टर रिदा इफत, डॉटर ऑफ डॉक्टर शिराज खान। सिराज डेंटल क्लिनिक, जहां हर मुस्कान अनमोल है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टेक्स। स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगने से 15 से 20 गोदाम जलकर राख हो गए हैं। दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग बुझाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि ठाणे जिले के भिवंडी तालुका के ओवली ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक स्क्रैप गोदाम में देर रात अचानक भीषण आग लग गई और 15 से 20 स्क्रैप गोदाम जलने की घटना सामने आई है। इस कबाड़ गोदाम में लकड़ी की प्लाई, प्लास्टिक का सामान, कागज, गत्ता समेत भारी मात्रा में कबाड़ का सामान रखा हुआ था। स्क्रैप गोदाम में लगी आग इतनी भीषण थी कि पूरा गोदाम जलकर खाक हो गया है। इतना ही नहीं, कुछ चार पहिया गाड़ियों में भी आग लग गई है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। अधिकारी ने बताया है कि इस आग में कोई जीवित हानि भी नहीं हुई है। इस बीच आग पर काबू पाने के लिए भिवंडी फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड कर्मियों द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन पानी की कमी के कारण फायर ब्रिगेड कर्मियों को आग पर काबू पाने में दिक्कत आ रही थी। साथ ही अगर पानी का कोई भी स्रोत मिल जाए तो आग पर काबू पाने के लिए 5 से 6 घंटे लगने की संभावना थी। ऐसी जानकारी फायर ब्रिगेड के ऑफिसर शैलेंद्र शिंदे ने बताया है। रात को 11:30-12 बजे हमको कॉल आया कि पोड़ी ग्राम पंचायत के अर्धी में अंगार लगे है। जैसे कॉल आया वैसे हम लोग घटनास्थल पर आ चुके हैं। भिवंडी अग्निशमन दल की एक फायर इंजन यहाँ पे घटनास्थल में आ चुकी है। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। थोड़ा पानी का सोर्स का प्रॉब्लम है, पानी कम मिल रहा है हमारे यहाँ पे। तो जैसा हम लोग 2-3 घंटे में कंट्रोल करने में हम लोग ट्राई कर रहे हैं। कम से कम 15-20 गोडाउन रहेंगे, पुट्टा प्लास्टिक का पुट्टा लकड़ी सामान सब वैसा है। आग लगने कुछ हो गया नहीं? वो तो कुछ अभी तक तो कुछ मालूम नहीं पड़ा है और शायद इंजरी भी कोई नहीं है।